हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिश्री। और यहाँ पर कल मैंने बताया था फिजिक्स में पास होने का तरीका, बहुत आपने प्यार दिया, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज ज्ञान दे दिया जाए केमिस्ट्री में पास होने का तरीका। क्या गुरु जी, आप तो बहुत बड़े मदारी हो गए गुरु जी, हाँ सफेदों पैर पकड़ के लाते हैं क्या? अरे नहीं यार, ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि हाँ इतना चौचक ज्ञान दे देंगे भाई साहब कि आपका काम हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि क्लास 12th केमिस्ट्री, जो आपका 12th केमिस्ट्री है ना, पास हो जाओगे। अब पास होने का मतलब ये नहीं गुरु जी ये 70 में हम लेकर आएंगे 70 नंबर, नहीं, अगर 70 में 70 चाहते हो बिल्कुल मत देखो, 70 में आप आपको 23+ दिलवाएंगे, मात्र 23+ गुरु जी दिलवाएंगे। अरे गुरु जी 23+ कैसे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा, बस जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको काम करिएगा, पास हो जाएंगे। अभी आपके पास इतना दिन का टाइम तो है ना, और जो मैं आप अप्रोच बताऊंगा उस पर थोड़ा काम करिएगा, साथ ही साथ आपका इतना भी दिमाग नहीं खत्म है कि भाई साहब लास्ट 5 डेज में आप कर ना पाए इसको, बस ये चीज करिएगा, उसके बाद ये 23+ आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं गुरु जी, फेल हो जाते हैं। मैंने लास्ट 2 मंथ में पढ़ा गुरु जी, अब मैं फेल हो गया। सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, ये आपको चार चार जो गलतियां करते हैं ना, अब पांचवा तो इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलती किए तो आपका काम फिर हो जाएगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर ये काम कर लिए ना तो भाई साहब ये पास हो जाओगे, ये आप 23+ ही आएगा गारंटी के साथ, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब गुरु जी देखिएगा, सबसे पहले आपका पेपर कोड रहेगा, ये आपका पेपर कोड है गुरु जी, टाइम है ठीक है 3 घंटे 15 मिनट, लेकिन गुरु जी हमें पास होने का टिप्स बताइए ना, ये क्या आप बता रहे हैं पेपर के बारे में। देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बहुविकल्पी है, क्या है बहुविकल्पी, जब आपको बहुविकल्पी मिले तो आप क्या करिएगा कि मैं आपको बोला था ना बहुविकल्पी में हमेशा आपको तुक्का लगाना है, क्या लगाना है तुक्का लगाना है, लेकिन हर एक बहुविकल्पी को आपको एज टू एज लिख देना है, जैसे यहाँ पे है इस हिसाब से पूरा पूरा लिख देना है, लिखने के बाद आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि तुक्के के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका 5 है ऑब्जेक्टिव तो 5 में से आपका 2+ ही सही रहेगा, 2+ कभी भी 5 में 5 गलत नहीं होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए तो आप तुक्का लगाएंगे तो 5 में से 2+ आपका ही आ ही जाएगा। अब एक चीज और कि अगर आपको पास होना है तो आप कॉपी को ज्यादा से ज्यादा भरिए। अब ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि आपने क्या लिखा 75 संख्या पहले का का उत्तर नंबर 5 PPM, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, बल्कि क्या लिखना है 75 संख्या पहले का 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, पहला ऑप्शन 5 PPM, दूसरा ऑप्शन 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, फिर 0.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, और 0.006 मोल यहाँ पे लीटर इनवर्स। बस इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, उसके बाद कोई एक मारो लगा दो आंसर, बस काम खत्म। लेकिन आपको लिखना जरूर है, जब आप लिखे रहेंगे ना तो एग्जामिनर चाचा आपको क्या देंगे नंबर, मैं आपको आपको लिख लिख कर नंबर दिलवा दूंगा। अभी देखिएगा तो यहाँ पर आपका कितना है, 5 बहुविकल्पी है गुरु जी, 5 बहुविकल्पी। अच्छा ही बताइए, अगर मैं आपको ये पूछूं, ये तो एक 8वीं क्लास का 9वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि संक्षारण से बचने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग क्या होती है, कॉपर होती है, टीन प्लेटिंग होती है, जिंक होती है या फिर निकिल होती है, तो कोई भी बता देगा यार इसका आंसर की कॉपर प्लेटिंग होती है, जिंक प्लेटिंग होती है, कोई बता देगा, क्योंकि तो बहुत सिंपल वाले प्रश्न है, ये तो आपको पढ़ाया ही गया होगा, तो कुछ प्रश्न यार आप कर लोगे। अब देखिए जैसे इसमें है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 50% पूर्ण होने में लगभग समय होता है, कितना होता है टी हाफ का लगभग 1.1 गुना, टी हाफ का लगभग 2.2 गुना, तो ये सब क्या करना है ना, अगर आपको इसका आंसर नहीं यार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में लिख देना है इसके नीचे, काम खत्म हुआ। तो जब आप लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपको आधा नंबर देगा, जैसे एक नंबर है, एक में एक नंबर नहीं देगा बल्कि क्या देगा आपको आधा नंबर देगा, 1/2 करके देता है। अब ये नहीं गुरु जी वो 0.5 देगा क्या, अरे नहीं यार 0.5 नहीं देगा बल्कि आपको आधा नंबर वो प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से आप बहुविकल्पी करेंगे, तो अगर आपका 5 बहुविकल्पी है ना तो आपका काम हो जाएगा। अब गुरु जी अगला बताइए, तो 23 नंबर 5 मार्क का था, आप 3 नंबर बहुविकल्पी से ला लिए, गुरु 3 नंबर नहीं हम 2 नंबर, हम 2 नंबर पाए हैं गुरु जी, आप गलत बता रहे हैं, 2 नंबर पाए, चलो ठीक है 2 नंबर, 21 नंबर और बचता है आपके पास। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल है कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? CHGOG के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश होगा। अब जब आपको इसका न्यूमेरिकल ना आए ना, जब आपको इसका न्यूमेरिकल ना आए तो एक काम करना, मोल अंश के बारे में लिख देना। क्या लिख देंगे? मोल अंश के बारे में लिख देंगे। अब मोल अंश के बारे में लिखेंगे तो लिखा हुआ और फार्मूला का आधा नंबर एग्जामिनर देगा, आधा नंबर। आप गलती ही करो, करो जरूर, ऐसा नहीं करना है गुरुजी हमें आ रहा है तो हम वही लिखेंगे, नहीं आ रहा है छोड़ देंगे। भाई साहब आपको मैं बता दूं, जो ट्वेल्थ का एग्जाम होता है ना, टेंथ छोड़िए, ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी रहता है, रिएक्शन भी रहता है, फॉर्मूले भी रहते हैं, साथ ही साथ इसमें परिभाषा भी रहता है, सर डिफिनेशन भी रहता है। केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मतलब समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे है आपका CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक वैद्युत अपघटन किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। जब आपको ये सब प्रश्न मिल जाए तो आप फार्मूला लिखो, क्या लिखो उसका, सूत्र लिखो, सूत्र लिखो, लिखो जरूर। कैसे करेंगे? दिया है CuSO4 को 2.0 एम्पियर की धारा, यानी कि एम्पियर की धारा कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे धारा कितना दिया, 2 एम्पियर दिया है, टाइम कितना दिया, 450 सेकंड तक दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर गुरुजी CU की यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान 63, ये सब लिख दो, फार्मूला लिख दो। गलत ही आंसर आए यहाँ पे अगर 2 नंबर का है, 1 नंबर आपको मिलेगा। और एक चीज और करिएगा, ये सब तो आप कर ही लोगे यार, ये सब अब आप ये नहीं कर पाओगे, कोलराउस का नियम आप नहीं कर पाओगे, आउट ऑफ सिलेबस से मत करिएगा, कोलराउस का नियम आप नहीं कर पाओगे। भाई साहब इतना तो रहता ही है कि लास्ट डे में कुछ डिफिनेशन पढ़ के जाओगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया है आवर्त सारणी से, अब गुरुजी आवर्त सारणी से दिया है, ठीक है, आवर्त सारणी से मैं पढ़ा ही रहूंगा कि हम यहाँ पे 2 नंबर लगा लेंगे, मान लीजिए कुछ जो परिभाषाएं रहेंगी वहां से आप आराम से 3 से 4 नंबर लगा लोगे, तो 7 नंबर आपका ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे दिया गया जैसे पोटेशियम परमैंगनेट निर्माण की विधि और रासायनिक समीकरण, भले ही आपको नहीं आ रहा है लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में कुछ तो जानते होंगे, इसी के बारे में कैसे बनाया जाता है कि जब पोटेशियम को हम लोग Mg से क्रिया करा देते हैं, ये सब करा देते हैं, वो डाल देते हैं, तो बस हमारा पोटेशियम परमैंगनेट तैयार हो जाता है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्या करेगा कि आपकी पूरी कॉपी को पढ़ेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, बस आप कॉपी को ज्यादा से ज्यादा भरिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग जब करता था तो एक सर थे अमित सर, तो मैं बैठा था केवल ऐसी करके, तो उनकी ड्यूटी लगी थी मेरे रूम में, तो उन्होंने मेरे पास आया कहे कि यार ये प्रश्न क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कि सर मुझे नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिखा नहीं, नहीं आ रहा तो बोलेंगे नहीं आ रहा तो क्या नहीं करोगे, उन्होंने कहा गुरुजी आ ही नहीं रहा तो क्या, तो कहें कि आप क्या लिखा है, मैंने कहा गुरुजी प्रकाश व्यतिकरण से संबंधित वो सवाल थी, अब थोड़ी सी उसकी टफ सवाल होती है, प्रकाश से था, कहेंगे कि अगर आपको प्रकाश व्यतिकरण का सवाल नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रकाश के बारे में बताओ कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, मतलब इन सब चीजों को पॉइंट में डालो, आप विश्वास नहीं करोगे। वो प्रश्न था 7 नंबर का और मैंने 2 पेज में लिखा था, उसमें से मुझे 3.5 नंबर एग्जैक्ट मिला था, एग्जैक्ट 3.5 नंबर मिला था, तभी से मेरे अंदर आ गया कि हाँ आप लिखो जरूर, गलत ही लिखो। गलत क्या लिखोगे, अगर प्रकाश व्यतिकरण लिखा है सवाल है तो प्रकाश व्यतिकरण के बारे में लिख रहे हैं तो क्या गलत लिख रहे हैं, अरे नहीं यार कैसे, जैसे ओम का नियम है, क्या ओम का नियम डायरेक्ट लिख दिया जाता है क्या कि यही ओम का नियम है, नहीं, उसको पहले डिफाइन किया जाता है, फिर डेरिवेशन डिफाइन किया जाता है, तब तो लास्ट में ओम का नियम आता है, ऐसे तो होता ना फार्मूला संबंधित। सो आपको क्या करना है कि हर एक चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे ना तो वहां पर देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। और केमिस्ट्री में तो आप नंबर खींच सकते हो यार, खींच सकते हो कैसे, एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पे आपका है यहाँ पे कि फिनॉल है, फिनॉल जब भी आप लिखिए तो आप एक चीज और लिख दीजिए कि यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण जरूर लिखिए, क्या लिखिए, रासायनिक समीकरण आप जरूर लिखिए, जितना से ज्यादा ज्यादा आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे उतना से ज्यादा ज्यादा आप नंबर खींचेंगे। अगर कोई भी आपको डिफिनेशन दिखाई दे, भाई साहब रासायनिक समीकरण जरूर उसमें डाल देना है, रासायनिक समीकरण जैसे ही डालेंगे नंबर ऑफ मार्क्स, यानी जो आपको मार्क्स ऑफ है वो मतलब हाई करेगा, हाई
हाई मतलब बहुत ही तेज साथ उठेगा, क्योंकि एग्जामिनर ना आपको देता है नंबर किस पर देता है गुरुजी, केमिकल रिएक्शन पर नंबर देता है। तो आप ज्यादा ज्यादा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन डालो, गलत डालो लेकिन लिखो जरूर, मतलब आपको लिखना है केवल प्रयास करके। अब इतना भी नहीं कमजोर है यार, इतना भी आपका नहीं है कि आप एग्जाम से पहले पढ़ के नहीं जाएंगे। गुरु जी पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, मैं जितना भी आपको यहाँ पे टिप्स बता रहा हूँ हर एक चीज को फॉलो कर लो यार। पढ़ना क्या है गुरु जी, देखिएगा जैसे ये है आपका, ये सब आपको पढ़ के जाना है कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये सब आप थोड़ा रट लो, ज्यादा नहीं, आप 30-30 रट लो, 30-30 मतलब एक दिन का काम है, एक एक दिन का यार, ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पे है फिनॉल की कोल्बो अभिक्रिया, अब कोल्बो अभिक्रिया तो पेपर वन में आता है, चाहे अलग से आ जाए चाहे इसमें आ जाए, समीकरण देना है। विलियम संश्लेषण, ये सब आपको क्या करना है, निर्जल अभिक्रिया, ये सब सिंपल है, आप इसको रट डालो, अभी आपके पास टाइम है। और क्या होता है जब ये सब आप टॉपिक पढ़ लिए, तो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इस पर ही आधारित 20 नंबर का आपको मिले, कितने नंबर का मिलेगा, 20 नंबर का। काटे पीटे अगर आप करेंगे तब भी आपका 15 मार्क्स आपको एकदम गारंटी के साथ मिल जाएगा, 15 मार्क्स। देखिए जैसे यहाँ पे, तो ये सब आपके पॉइंट वाली चीजें यार, ये सब आपको तैयार करना है, शुरू का तैयार करो चाहे ना करो, लेकिन केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है जब, ठीक है ना। या फिर दे देगा कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो ये सब 5-5 नंबर वाले हैं। जैसे यहाँ पे है एथेन की कास्टिक सोडा के साथ जब गर्म करते हैं, प्रोपेनोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया होती है, प्रोपेनोन को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, फेनिल मेथिल कीटोन को कीटोन 2 को जब 4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, बेंजाइल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है जब, तो ये सब क्या करना है आपको, मेंटेन करना है। जितना ये मेंटेन रहेगा, जितना ये आपको याद रहेगा, उतना ज्यादा नंबर खींचेंगे। मतलब साल भर कुछ मत पढ़ो, बिना पढ़ के भी आप लास्ट में 4-5 टिप्स अप्लाई करके आप पास हो सकते हो। जब पास ही होना है ना, तो पास हो जाओगे। अगर आपके अंदर ये है कि मुझे पास होना है गुरुजी, पास हो जाओगे। अगर आपके अंदर ये है कि पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, जब कॉपी लिखोगे ही नहीं यार, पास किधर से हो जाओगे, आप बताओ। मैं कह रहा हूँ कि आप जब कुछ खाओगे ही नहीं, भूख लगी है, अब आपको खाना है पचमेल, भाई साहब खा लो दाल चावल ना, दाल चावल ही खा लो, पेट तो भरेगा ना, क्या जरूरत है आपको जाके वहां पे पचमेल खाने की, भाई क्या जरूरत है बफर में, सर नहीं यार खाना, बस हमारा दाल चावल में काम चल जा रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है वहां पे जाके खाने की। तो बस वही है, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में लिखिए तो सही, लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, बस एक ही कसम खा लो, गलत ही लिखेंगे, लिखेंगे जरूर। जिस दिन आपकी ये अंदर धारणा आ गई, गलत ही लिखेंगे, लिखेंगे जरूर, कोई भी आपको फेल होने से रोक नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आपके अंदर ये है कि नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाओगे, अगर जिस दिन ये आ गई कि हम पूरा करके आएंगे भाई, पूरा पूरा एक तरफ से छोड़ेंगे नहीं, तो आप पास हो जाओगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ, पास हो जाओगे, ठीक है ना। अगर ये है कि गुरु जी हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, हमें नहीं आ रहा, तो आप फेल हो जाओगे। आपको आते हुए भी अगर छोड़ दे रहे हैं तो आप फेल हो जाओगे, गलत ही लिखोगे। अब गलत है क्या, मैं फिर आपसे वही पूछ रहा हूँ कि गलत है क्या, प्रोपेनेन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया है, प्रोपेनेन और क्लोरोफॉर्म का सूत्र ही अप्लाई कर दोगे कुछ लगा के, तो क्या गलत है, मैंने क्लोरोफॉर्म के बारे में लिखा कि नहीं लिखा, भले ही मुझे रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो गलत इसमें क्या है। नहीं आ रहा तो लिखो भाई साहब, आ रहा है तो मेहनत करो जम की। इसका वीडियो का उद्देश्य नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी बस ऐसे चले गए, नहीं यार, नहीं आ रहा है तो भाई साहब ये अप्लाई करना, आ रहा है तो वेल एंड गुड, और आप अच्छा मार्क्स पाओगे। जहां पे आपको 50 नंबर चाहिए वहां पे आपको 65 मिलेगा, 15 नंबर आपका ऐसे प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप सारे प्रश्न करके आओगे भाई साहब, 15 ऐसे प्लस हो जाएगा, तो फ्री का ले जा सकते हो। बस एक काम करके लिख के सारे क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, बस यही दिमाग में डाल लो, उस दिन देखो पास हो जाओगे यार, कोई भी रोक नहीं सकता आपको पास होने से, एग्जाम में चाचा खुद पास करेगा, क्या करे, पास कर दो इनको, देखिए कैसे प्राप्त कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट डालो, घोल के पी लो गुरु जी, हम घोल के पी लेंगे गुरु जी। क्या होता है जब, देखिए वही है, क्या होता है जब, फिर यहाँ पे देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, भाई साहब आपके छपने वाले प्रश्न एकदम हवा में, 5-5 नंबर के, और देखोगे तो यहाँ पे फिर बस यही है, देखो यही 5-5 नंबर के, तो 2-2 नंबर के चक्कर में क्यों भाग रहे हो भाई, 5-5 नंबर के चक्कर में भागो ना, जहां से ज्यादा ज्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा ज्यादा आपके प्रश्न फंसेंगे, वही गुरुजी हम पढ़ेंगे। इस ट्रिक को अगर अप्लाई कर दिए, गारंटी दे रहा हूं कि जो आपका 4
7 मार्च को पेपर है केमिस्ट्री का ना, पास हो जाओगे, ले लो मुझसे गारंटी, लिख के दे रहा हूं आप पास होकर आओगे। लेकिन आपको ये करना है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना, गुरुजी हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे कुछ भी हो जाए, हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, पास होकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लास्ट डे बचा हुआ है, किसका वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, दबा कर शेयर करना है गुरुजी, कुछ भी हो जाए गुरुजी दबा कर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।